रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन को लेकर जून के शुरुआत में हुई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया और ग्राहकों को राहत देते हुए ओटीपी बेस्ड रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का फैसला लिया गया। अब इस नियम के लिए नया सर्कुलर जारी हो गया है। इसके साथ ही कार्ड टोकनाइजेशन का भी नया नियम लागू होने जा रहा है जो 1 जुलाई से होगा। सबसे पहले बात करते हैं नए ऑटो डेबिट नियम की। दरअसल नए नियम के अनुसार आरबीआई ने ऑटो डेबिट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। अब आपको 15,000 रुपए तक के रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। पहले ओटीपी का नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर लागू होता था। नियम की जानकारी आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद दी थी। बता दें, रेकरिंग ट्रांजैक्शन हर महीने होने वाले ट्रांजैक्शन को कहते हैं, जैसे इंश्योरेंस, फीस, मेंटेनेंस या ईएमआई भुगतान। आरबीआई के इस कदम से अब ग्राहकों को बिना ओटीपी के मोटी रकम की निकासी, जमा या भुगतान करने में आसानी होगी। इसके जरिए लोग एजुकेशन फीस और बीमा प्रीमियम के लिए उच्च मूल्य का आसानी से लेन देन कर सकेंगे। वहीं रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लगातार इसे बढ़ाने का आग्रह किया जा रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई मैंडेट आधारित रेकरिंग पेमेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया था। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस फ्रेमवर्क में बड़ी संख्या में घरेलू और 3,400 से ज्यादा इंटरनेशनल मर्चेंट जुड़ चुके हैं और 6,25,00,000 ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। दरअसल रिजर्व बैंक ने रेकरिंग भुगतान के लिए सबसे पहले अगस्त 2019 में नियम जारी किया था। उसके तहत ऑटो ट्रांजैक्शन से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को पैसे कटने की सूचना देनी होती है, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन हो सकती थी। पिछले साल 1 अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए बार बार होने वाले पेमेंट पर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया था। 5,000 रुपए से ज्यादा के रेकरिंग पेमेंट पर यूजर द्वारा वन टाइम पासवर्ड को मंजूरी देना जरूरी होता है। अब कस्टमर को केवल 15,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर बैंक द्वारा भेजे गए ओटीपी को रेकरिंग ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए मंजूरी देनी होगी। वहीं कार्ड टोकनाइजेशन नियम के तहत 1 जुलाई से ग्राहकों को कार्ड का नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। यानी 1 जुलाई से विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, पुराने स्टोर किए डेटा को भी हटाकर नए नियम के तहत काम करना होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि कार्ड टोकनाइजेशन नियम क्या है। दरअसल कार्ड टोकनाइजेशन के तहत एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा। नए कोड के जनरेट होने के बाद से ग्राहकों को कार्ड के 16 डिजिट नंबर को शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी सुरक्षित रहेगी। ग्राहकों को कार्ड की डिटेल सेव कर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नया नियम यानी कार्ड टोकनाइजेशन भुगतान का सुरक्षित तरीका होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।